देखिए जी, ये 94 का मॉडल है, ओरिजिनल जैपनीज मॉडल है। 27 साल रोड पे गाड़ी नहीं चली, तो मेरे पास थी, मैं सऊदीया में था, गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी, बच्चों ने स्क्रैच वगैरह मारे थे। 100% मैं गारंटी दूंगा। 27 साल से ये गाड़ी नहीं चली है, अभी रिसेंटली दुबई से आए हैं तो इन्होंने गाड़ी निकलवाई है। इसको तीन मॉडल, तो जो भी भाई हमारे बोलते हैं ना कि ऑटोमेटिक गाड़ी आप दिखा दें और सेडान गाड़ी दिखाएं, साफ सुथरी अच्छी गाड़ी हो एहसन भाई, तो ये गाड़ी अभी मुझे नजर आई। तो सर कितने में सौदा तय हुआ आपका? ये 1050 में, 1,50,000 रुपए में भाई का सौदा डन हो गया। अल्लाह भाई मुबारक करे आपको और आप अच्छे से जो है वो गाड़ी चलाएं। तो बस सिटी 2004-2005 चुआ शेप, 2013-2016 विड्स हमारे पास मौजूद है। तो जितने भी भाई हमारे बोलते हैं ना कि हसन भाई विड्स के अलग अलग मॉडल ऐड करा करें, तो आपने साइडों से शावर करवाई है? सिर्फ बोनट शावर है, बाकी पूरी गाड़ी ओरिजिनल है। जो भी भाई हमारे बोल रहे थे कि हसन भाई कल्टस के पुराने मॉडल भी जो है वो ऐड कर लीजिएगा, रेट वगैरह बता दीजिएगा भाई मार्केट में क्या रेट चल रहे हैं। तो ये 500 रुपए जो लोग हमारे बोलते हैं ना कि भाई मुनासिब पैसों में मॉडल आगे का हो, हाई रूफ से अच्छी जो है वो कैपेसिटी हो, तो ये गाड़ी जो है वो आप लोग देखने दो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो भाई दूसरा पार्ट यहाँ से शुरू हो रहा है हमारी संडे कार बाजार वाली वीडियो का, तो आप लोग देखें, जाएं, एंजॉय करें और एंड में मुझे लाजमी बताएं कि आप लोगों को सबसे अच्छी कौन सी गाड़ी वीडियो में जो है वो लगी। नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा, मिलते हैं वीडियो के एंड में। 94 मॉडल की मेहरान हमारे पास मौजूद है। तो भाई जैपनीज गाड़ी जो ढूंढते ना, जो जीए करके आई थी गाड़ी, जापान असेंबल जो गाड़ी आई थी, तो ये वो वाली जो है ये गाड़ी है और अंकल लेके आए हैं। भाई 27 साल से ये गाड़ी नहीं चली है, अभी रिसेंटली दुबई से आए हैं तो इन्होंने गाड़ी निकलवाई है, इसको ऊपर से शावर करवाया है, अंदर से पूरी ओरिजिनल है गाड़ी के स्टिकर हर चीज़ मैं आप लोगों को गाड़ी की जो है वो ओवरऑल दिखाऊंगा। एंड में अंकल से भी बात करेंगे तो आप लोगों को मजीद जो इसकी इन्फॉर्मेशन है, जाहिर सी बात है वो अभी आए हैं वापसी, उन्होंने काम वाम करवाए हैं, तो उनसे सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग अच्छे से लेंगे कि भाई क्या हिसाब किताब है, किस तरीके से है गाड़ी, ईच एंड एवरीथिंग हर चीज़ हम आप लोगों को जो है वो गाड़ी की डिटेल वाइज बताएंगे। तो गाड़ी का आप लोगों ने ऊपर से लुक वगैरह जो है वो देख लिया। अच्छा एसी वगैरह का सामान भी इसमें लगा हुआ मैंने देखा है, तो अंकल से ही मालूम करेंगे कि भाई चलता है या नहीं चलता, वो सारी चीज़ें हम लोग मालूम करेंगे। लेकिन बकौल अंकल के भाई ये 27 साल से जो है वो गाड़ी खड़ी हुई थी और अभी उन्होंने जो है वो निकाली है। अच्छा गाड़ी की बैक साइड पे आ चुके हैं, बैक साइड से आप लोग दोनों लाइट्स वगैरह देख लें, गाड़ी के ऊपर से डिग्गी वगैरह मैं आप लोगों को यहाँ से दिखाऊं, तो यहाँ से आप लोग देखें पूरी साफ सुथरी आप लोग ऊपर वाली साइडें वाइडें जो है वो गाड़ी की बिल्कुल नज़र आ रही होंगी। इसी तरीके से हम लोग पूरा एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, जितना दिखा सकता हूँ अच्छे से जो है वो दिखा रहा हूँ। बाकी कोई सवाल हुआ करें नीचे भाई कमेंट करा करें, नहीं तो गाड़ी के जो ऑनर्स होते हैं जाहिर सी बात है उनके नंबर हम लोग शेयर कर रहे होते हैं, तो उस पर कॉल करा करें, बिला झिझक जो भी सवाल हुआ करें वो सारी चीज़ें आप लोग जो है वो पूछा करें। तो यहाँ से भी आप लोग देखें, इसी तरीके से मैं आप लोग को दूसरी साइड से भी दिखाऊँ, तो ये वाली साइड भी आप लोग देखें, तो अंदर से पूरी इन्होंने ओरिजिनल रखी हुई है। बाकी इसी तरीके से इससे नीचे देख लेते हैं हम लोग, तो ये देख लें आप लोग सीट वगैरह, यहाँ से भी गाड़ी आप लोग साफ सुथरी कंडीशन में नज़र आ रही होगी। बस जो चीज़ें हैं देखें, पुराना मॉडल है, हल्की फुल्की तो रस्ट आप लोगों को पता है कि इतनी चीज़ें तो जो है वो आती हैं इतने टाइम में, 94 से जो ये गाड़ी चल रही है। तो अब यहाँ आ जाते हैं हम लोग और गाड़ी का इंटीरियर आप लोगों को चेक करवाते हैं, तो दरवाजे आप लोग जो है वो देखने हैं, इसके अलावा गाड़ी के डोर पैनल, नीचे से गाड़ी के फुट पैरियाँ, ऊपर से पिलर्स, अंदर से मैं डैशबोर्ड की अगर बात करूं तो डैशबोर्ड भी आप लोग यहां से जो है वो एक नज़र देखें। सीट कवर्स की बात करें तो आफ्टर मार्केट जो है फैब्रिक वाले सीट कवर्स वगैरह गाड़ी के अंदर जो है वो इंस्टॉल है, नीचे रबर मैट चले हुए हैं, सेंटर कंसोल भी इन्होंने जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से मैं आप लोग को बैक साइड का डोर भी यहाँ से अगर दिखाऊँ तो ये आप लोग जो है वो देख लें, ऊपर वाली साइडें देख लें, ठीक है। इसी तरीके से सारे डोर्स आप लोग जो है वो देखें, और कहाँ पर कौन सा वाला अंकल, ये वाला ये। अच्छा अच्छा भाई ये आप लोग चेक कर लें, ये स्टिकर ओरिजिनल है, ये अंकल बता रहे हैं ये वही जापान वाला जो होता है, जापान वाला, ये आप लोग चेक कर सकते हैं कि भाई ये ओरिजिनल लगा हुआ है, ओरिजिनल, ठीक है जी। अब चलते हैं चल के गाड़ी का जरा इंजन रूम आप लोग को दिखाते हैं, इंजन रूम से गाड़ी किस कंडीशन में आप लोग को जो है वो मिलती है। तो ये आ चुके हैं हम लोग गाड़ी के इंजन रूम की तरफ। अच्छा इंजन रूम में थोड़ा आपको तरीके से दिखाता हूँ, सबसे पहले आप लोग फ्रंट पट्टी देखें, ओरिजिनल स्टिकर अभी भी मौजूद है गाड़ी के ऊपर, ठीक है। ड्राइव बैटरी गाड़ी के अंदर इंस्टॉल है, एसी का सामान आप लोगों को कंप्लीट लगा हुआ नजर आ रहा होगा, बिल्कुल कवर लगे हुए सब कुछ है हर चीज़। तो गाड़ी के कुप्पे वगैरह भी बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में आप लोगों को नजर आ रहे हैं, बैक की शील्ड आप लोग जो है वो एक नज़र देखें और इसी तरीके से दूसरी साइड का कुप्पा भी आप लोग देख लें। चले अब अपनी ढक्कन है और ग्रिल दिखाएं, इसकी ग्रिल, ये ओरिजिनल ग्रिल मिलेगी नहीं कहीं, 94 की ओरिजिनल ग्रिल है ये, सही। तो बस अब अंकल से चलते हैं, थोड़ी इसकी मजीद इन्फॉर्मेशन लेते हैं, वो ज्यादा अच्छे से हम लोग को जो है वो गाइड कर देंगे कि भाई गाड़ी में क्या क्या चीजें हैं, जैपनीज में क्या आएंगे और पाकिस्तानी में क्या आएंगे।
तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं अर्शद अंकल, और अर्शद अंकल गाड़ी लेके आए हैं। अंकल, गाड़ी के बारे में डिटेल्स दें सर। देखें जी, ये 94 का मॉडल है, ओरिजिनल जापनीज मॉडल है। 27 साल रोड पे गाड़ी नहीं चली, तो मेरे पास थी, मैं सऊदीया में था, गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी, बच्चों ने स्क्रैच वगैरह मारे थे, तो मैंने इसको अभी रिफ्रेश के लिए इसको फर्स्ट टाइम शावर करवाया। डेंटिंग नहीं हुई इसमें कि कोई पीस लगे हुए, ये लगे हुए, ओरिजिनल इंजन है, साउंडलेस इंजन है, बिल्कुल 100% गारंटी दूंगा। एसी का सारा सामान लगवा, गैस नहीं है, बाकी टायर बिल्कुल सही हैं, डिग्गी बिल्कुल सही है, स्पेयर व्हील मौजूद है, अंदर सारा सामान है, गाड़ी अंदर से पूरी ओरिजिनल है, फुल ओरिजिनल है गाड़ी, अंदर कोई टचअप नहीं गाड़ी के, सिर्फ बाहर से टचअप हुआ, बाकी कोई भी इसका एक एक रबड़ एक एक चीज लगी हुई है। अच्छा अंकल, ये गाड़ी अभी भी आपके नाम पे ही है? जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। ठीक है, तो भाई ये देख लें, जिनकी गाड़ी है उन्हीं के नाम पे है और वही सेल करने आए हैं भाई। मैं खुद आया। एक आप लोगों को एक अच्छा पॉइंट मिल जाता है कि बहुत सारे लोग होते हैं ना कि लेके किसी से गाड़ी सेल कर रहे होते हैं, तो वो वाला सीन नहीं है, अपनी गाड़ी खुद जो है, अपनी गाड़ी मैं खुद सेल कर रहा हूँ भाई। तारी रोड पे रहता हूँ, नौरानी कबाब के पास, और मैं जॉब करता हूँ ये ग्लोरी में, ग्लोरी इवेंट्स है, शादी हॉल है, बैंकवेट, मैं उसमें जॉब करता हूँ, मैं रहता तारिक रोड पे हूँ। मेरा नंबर है 0300-2314-101, मोहम्मद अरशद नाम है। ठीक है मोहम्मद अरशद साहब, हमने सारी चीजें तो बता दी सर, पैसों में कितने की देंगे गाड़ी? पैसों में मेरा एक ही रेट है, 360,000 रुपए, 350,000 में फाइनल करनी है, फाइनल करनी है बिल्कुल, क्योंकि गाड़ी में कोई काम नहीं है, 100% मैं गारंटी दूंगा। अगर कोई भी बोल देगा ना ये नट इसका जाली डाला हुआ है या इसमें ये प्रॉब्लम है, ट्यूबलेस टायर है सारे, कहीं से गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100% गारंटी दूंगा, ये मेरी गारंटी। यानी कि घर वाले लोग ज्यादा रापता करें? जी जी जी, तो बस देख लीजिएगा भाई, जिसको बुक है ये सारा कुछ है। बस ठीक है अंकल, मैं दे दूं। हां ये आपका नंबर है, इस पे आपका नंबर मैं लिख रहा हूं। ये इसकी ओरिजिनल बुक है भाई, ये सारे कागजात हैं, असल में दिखाते नहीं है ना इसके अंदर, बस ठीक है, डरने की नहीं, ये ओरिजिनल है, पूरी फाइल मौजूद है। जिस भाई को ये गाड़ी पसंद आया कॉल करें अंकल को, और अंकल से मजीद इन्फॉर्मेशन जो है ले सकते हैं। बहुत बहुत वाइपर काम कर, हर चीज काम कर रहे हैं, शुक्रिया। 2013-2016 विट्स हमारे पास मौजूद है, तो जितने भी भाई हमारे बोलते हैं ना कैसन भाई विट्स के अलग अलग मॉडल ऐड करा करें, तो पुराना मॉडल भी ऐड कर दिया है, एक आगे मॉडल की गाड़ी भी आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं। गाड़ी आप लोग चेक करने हैं, ब्लैक कलर में जो है ये गाड़ी है, पुश स्टार्ट वाली गाड़ी है। इसके अलावा अलॉय रिम्स गाड़ी के अंदर मौजूद हैं, फ्रंट आप लोगों ने देखा दोनों लाइट वाइट गाड़ी के बिल्कुल साफ हैं, कोई स्क्रैचेस कोई डेंट्स आप लोगों को मेजर इसके ऊपर जो है वो नजर नहीं आ रहे होंगे। बाकी ब्लैक कलर है, थोड़ा सा मट्टी पकड़ता है तो थोड़ी डस्टी हो रही है, लेकिन ये कपड़ा मारेंगे तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल चमकती हुई कंडीशन में आप लोगों को नजर आएगी। गाड़ी की बैक साइड में आप लोगों को एक नज़र जो है वो दिखाता हूँ कि गाड़ी बैक साइड से आप लोगों को किस तरीके से जो है वो मिलती है। तो बैक की जो लाइट है वो बिल्कुल ठीक है, गाड़ी की डिग्गी पे भी कोई स्क्रैचेस कुछ इस तरीके का नजर नहीं आ रहा। दूसरी साइड की लाइट भी मैं आप लोगों को दिखा दूँ, तो भाई शाम होती आती है, थोड़ा रश बढ़ता जाता है मार्केट में, तो थोड़ा सा भाई एडजस्ट करा करो वीडियो में, फिर भी आप लोग अच्छे से बना के सारी चीज़ें जो है वो शेयर कर रहा होता हूँ। तो गाड़ी का बैक भी आप लोग देख लो, गाड़ी की डिग्गी हम लोग चेक करते हैं, गाड़ी की डिग्गी जो है वो किस तरीके से आप लोग को जो है वो यहाँ पर मिलती है। तो यहाँ से इसको खोल लेते हैं हम लोग, ये आप लोग जो है वो चेक करें, ऊपर के कॉर्नर्स वगैरह देख लें, सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर आप लोग को जो है वो नज़र आ रही होंगी। पूरा एक ओवरव्यू मैं आप लोग को जो है वो दे रहा हूँ। ऊपर से अगर बात करें डिग्गी की साइडों की, तो डिग्गी की सारी साइडें भी जो है वो आप लोग देखें, नीचे आ जाते हैं, नीचे वाली साइड की अगर बात की जाए तो घर का थोड़ा सामान वामान रखा है भाई का, बाकी हम यहाँ से आप लोगों को दिखा देते हैं, तो इसके अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं, यानी कि जो गाड़ी के पाने होते हैं और एक्सपायर व्हील वगैरह भी मेरे ख्याल से इसके नीचे वाली साइड पे होता है। बाकी यहाँ से आप लोग देख लो, कोई रस्ट वगैरह आप लोग को जो है वो नज़र नहीं आ रहा होगा, यानी कि ओवरऑल यहाँ से भी गाड़ी आप लोगों को खेलने मिल रही है। दरवाजे वगैरह चेक करते हैं गाड़ी के, दरवाज़ों से किस तरीके से आप लोगों को जो है वो मिल रही है गाड़ी। तो यहाँ से इंटर हो जाते हैं हम लोग गाड़ी के अंदर, ड्राइविंग साइड के पैसेंजर डोर से मैं इंटर हो रहा हूँ गाड़ी के अंदर। जो पैसेंजर डोर की जो सील्स हैं वो आप लोग चेक कर लो, गाड़ी की बिल्कुल साफ आप लोग को नज़र आ रही होंगी। नीचे से आप लोग गाड़ी की फुट पैरियाँ यहाँ से जो है वो एक नज़र देख लें, ऊपर से जो है वो गाड़ी के आप लोग पिलर्स जो है वो यहाँ से चेक करें। बाकी सीट्स की जहाँ तक बात रही अंदर से, मैं सीट्स का एक ओवरव्यू आप लोगों को दे रहा हूँ, गाड़ी की सीट्स किस तरीके से आप लोगों को मिलती हैं। फ्रंट साइड पे चलते हैं, फ्रंट साइड का डोर आप लोगों को दिखाते हैं, गाड़ी का डैशबोर्ड वगैरह देखते हैं। तो यहाँ से इंटर हो गए हम लोग गाड़ी के फ्रंट साइड पे, तो पहले तो सबसे पहले देखें डोर की जो सील है वही मैं आप लोगों को हमेशा दिखाता हूँ। गाड़ी के डोर पैनल साफ़ सुथरे, नीचे से फुट पैरियाँ, ऊपर से पिलर्स, तो पूरा ओवरव्यू मैं आप लोगों को गाड़ी का जो है वो दे रहा हूँ। अंदर आ जाते हैं हम लोग, डैशबोर्ड के ऊपर कोई इसके ऊपर आप लोगों को फेडिंग जो है वो नज़र नहीं आ रही, धूप की जो फेडिंग होती है वो बिल्कुल क्लियर है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, पुश स्टार्ट जो है वो गाड़ी का इंजन है। बाकी अभी हम जो गाड़ी के ऑनर हैं उनसे भी जब बातचीत करेंगे तो इस गाड़ी की मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करेंगे। चलते हैं चल के गाड़ी का इंजन रूम देखते हैं, इंजन रूम से गाड़ी आप लोगों को किस कंडीशन में मिलती है। तो यहाँ से हम लोग इंटर हो जाते हैं भाई गाड़ी के इंजन रूम की तरफ, इंजन रूम आप लोगों को एक नज़र जो है वो दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जो है गाड़ी की फ्रंट की जो पट्टी है वो एक नज़र जो है वो यहाँ से देख लें।
इसके अलावा मैं गाड़ी के कुप्पे आप लोगों को एक नज़र जो है वो यहाँ से दिखा दूँ। बैक की पूरी शील्ड जो है वो आप लोग देखें, ड्राई बैटरी वगैरह गाड़ी के अंदर जो है वो लगी हुई है, और दूसरी साइड का कुप्पा भी जो है वो आप लोग देख लें। सो ये एक ओवरव्यू है भाई इंजन रूम का, ये भी मैंने आप लोग को कम्प्लीटली दिखा दिया। जो बोनट की सील्स हैं वो भी आप लोग यहाँ से जो है वो देख लें, दोनों साइड से मैं आप लोग को जो है वो दिखा रहा हूँ। अब चलते हैं जो गाड़ी के ऑनर हैं उनसे बातचीत करते हैं और गाड़ी की मजीद मालूम ले लेते हैं। सो अभी हमारे साथ मौजूद हैं गाड़ी के ऑनर सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। विट्स है, क्या मॉडल है सर ये गाड़ी का? 2013-16। ठीक है, 2013-2016। सर गाड़ी ओरिजिनल है, कुछ भी टचअप है इस गाड़ी के? कोई टचअप नहीं है, पूरी गाड़ी ओरिजिनल है, सील टू सील। ठीक है, पूरी गाड़ी जो है ये ओरिजिनल है। कितना चली हुई सर ये गाड़ी है? ये चली हुई है 98 समथिंग। सर कितना सीसी होती है ये गाड़ी? 1000 सीसी। और क्या एवरेज करती है सर ये गाड़ी? ये शहर में देती है 15-16 का जो 14-15-16 इस तरीके से देती है शहर। ठीक है, अभी कोई काम अगर कोई बंदा लेता है गाड़ी? कोई काम नहीं है गाड़ी, खुदा ना खासा सस्पेंशन में या कोई इंजन किसी चीज में कोई काम नहीं है। ठीक है, ले और चलाए जी, बिल्कुल नई जैसी गाड़ी है, आप लेके इसको इस्लामाबाद निकल जाए। ठीक है सर, क्या मुनासिब आपने इसकी डिमांड रखी है गाड़ी की? डिमांड रखी है मैंने 25.5 लाख रुपये। मार्केट में कोई अच्छी ऑफर लगी हो? 24 लाख रुपये लगे मगर मैंने नहीं दी गाड़ी। ठीक है, आपको यानी कि 24-50 से ऊपर देनी है। ठीक है, तो देख लीजिएगा भाई, एक मैंने आप लोगों को हिंट्स दे दिए, भाई से बातचीत करेंगे, अच्छी ऑफर लगाएंगे तो बातचीत ज़रूर बनेगी। सर अपना नंबर भी एंड में ऐड कीजिएगा। 0335-2386-0019। और कराची में कहाँ देखें सर ये गाड़ी? ये सखे सर। ठीक है, लोकेशन पे ये गाड़ी आप लोग विजिट कर सकते हैं। चलिए शुक्रिया बहुत बहुत। और 7 मॉडल की कल्टस हमारे पास मौजूद है VXR, तो जो भी भाई हमारे बोल रहे थे कैसन भाई कल्टस के पुराने मॉडल भी जो है वो ऐड कर लीजिएगा, रेट वगैरह बता दीजिएगा भाई मार्केट में क्या रेट चल रहे हैं। तो ये गाड़ी जो है वो आप लोग देख लें, साफ सुथरी कंडीशन में गाड़ी जो है वो मेंटेन कर रखी है भाई ने। इसकी लाइट्स वगैरह की अगर मैं बात करूं तो इसके ऊपर इन्होंने फॉगी जो है वो पेपर लगाया हुआ, एक अच्छा सा लुक देने के लिए गाड़ी के ऊपर। तो नॉट आउट गाड़ी इन्होंने काफ़ी यानी कि बिल्कुल इन्होंने अपने हिसाब से मेंटेन रखी हुई, ऊपर से गाड़ी शावर्ड है, अंदर जो है वो सीट्स वगैरह पूरी शॉपर वगैरह चढ़ा के बिल्कुल पैक रखी हुई है गाड़ी। तो पहले एक ओवरव्यू आप लोगों को देने गाड़ी का, उसके बाद जो मजीद इन्फॉर्मेशन है गाड़ी की वो गाड़ी के जो ऑनर हैं उनसे जब मैं बातचीत करूंगा तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को अच्छे से जो है वो सारी चीज़ें जो है वो गाइड कर दूँगा। गाड़ी की बैक लाइट पे भी इन्होंने पेपर वगैरह जो है वो चढ़ाए हुए हैं, यहाँ से आप लोग देखें गाड़ी यहाँ से भी आप लोगों को साफ सुथरी जो है वो नज़र आ रही होगी। इसी तरीके से गाड़ी में आप लोग को जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से भी दिखाता हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड से भी गाड़ी आप लोग जो है वो देखें यहाँ से भी बिल्कुल क्लियर है, कोई यानी कि स्क्रैच नहीं है, कोई डेंट वगैरह नहीं है। गाड़ी की डिग्गी हम लोग जो है वो चेक कर लेते हैं डिग्गी से किस तरीके से है गाड़ी। सो यहाँ से डिग्गी भी हम लोग जो है वो गाड़ी की चेक करते हैं, तो ये आप लोग चेक कर लें, जो गाड़ी के हाइड्रोलिक्स हैं पीछे की डिग्गी की वो बिल्कुल ठीक काम करती हुई जो है वो आप लोगों को नजर आ रही होंगी। कब्जे वगैरह देख लें, गाड़ी की जो डिग्गी की सीलें हैं वो भी आप लोग एक नज़र जो है वो देखें। नीचे आ जाते हैं तो इन्होंने साउंड सिस्टम वगैरह गाड़ी के अंदर लगाया हुआ है। इससे नीचे वाली जो साइड है वो भी मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ से अगर दिखा सकूँ तो CNG जो है वो इसमें से रिमूव्ड है। नीचे जो है टॉप कवर वगैरह लगा हुआ है, तो थोड़ा सामान रखा हुआ है, तो इस वजह से मैं ज़्यादा छिड़खानी नहीं कर रहा आप लोग को, यहाँ से जो एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। गाड़ी के दरवाजे वगैरह हम लोग जो है वो चेक कर लेते हैं किस तरीके से जो है वो आप लोग को मिलते हैं। तो ड्राइविंग साइड के पैसेंजर डोर से मैं इंटर हो रहा हूँ गाड़ी के अंदर, यहाँ से आप लोग जो है वो गाड़ी का डोर चेक कर लें, नीचे की सारी साइडें वगैरह जो है वो एक नज़र देख लें, गाड़ी की फुटपैरियाँ आप लोग यहाँ से जो है वो एक नज़र देखें, ऊपर से गाड़ी के पिलर्स में आप लोग को एक नज़र जो है वो दिखा रहा हूँ। तो यानी कि ओवरऑल अंदर से भी गाड़ी इन्होंने पूरी अपने हिसाब से जो है वो मेंटेन जो है वो रखी हुई है। फ्रंट साइड का डोर हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से मौजूद है, तो ये भी आप लोग जो है वो मेरे साथ साथ ही देखें, नीचे की सारी साइडें वगैरह देख लें। अच्छा, इसमें पावर विंडो वगैरह भी गाड़ी के अंदर जो है वो इन्होंने इंस्टॉल करवाई हुई है। भाई से अभी मज़ीद डिटेल्स दूंगा तो वीडियो आप लोग जो है वो कम्प्लीट देखा करें ताकि गाड़ी की जो मुकम्मल डिटेल है वो आप लोग को जो है वो मिल जाए। गाड़ी मैनुअल ट्रांसमिशन, डैशबोर्ड वगैरह गाड़ी का साफ, सीट्स वगैरह आप लोग यहाँ से भी देखें गाड़ी बिल्कुल क्लियर आप लोगों को जो है नज़र आ रही होगी। चलते हैं चल के गाड़ी की जो है वो इंजन रूम देखते हैं, इंजन रूम से गाड़ी आप लोगों को किस कंडीशन में मिलती है। सो नॉट आउट इंजन रूम से भी गाड़ी इन्होंने बिल्कुल मेंटेन रखी हुई है। एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा ख़राब इंजन रूम मिल रहे होते हैं, तो उस हिसाब से नहीं है, गाड़ी 2007 का मॉडल है लेकिन बिल्कुल मेंटेन करके रखी हुई है इन्होंने। यहाँ से साइडें वगैरह भी आप लोग देख लें, गाड़ी के जो कुप्पे हैं वो बिल्कुल आप लोगों के सामने मेंटेन आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। बैक की शील्ड गाड़ी की बिल्कुल साफ है, इसी तरीके से दूसरी साइड का कुप्पा भी आप लोग यहाँ से जो है वो देख लें। तो ये एक ओवरव्यू है, पूरा इंजन रूम का ओवरव्यू मैंने आप लोगों को दिखाया। आप चलते हैं जो गाड़ी के ऑनर हैं उनसे बातचीत करते हैं, इस गाड़ी की मजीद इन्फॉर्मेशन ले लेते। सो अभी हमारे साथ मौजूद हैं मान भाई जिनकी ये गाड़ी है। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? दुआएं आपकी, आप ठीक हैं? अल्लाह का करम। सर कल्टस का कौन सा मॉडल लाए हैं आप? सर 2007 है, अपना इंजन है, पावर विंडो इसमें मैंने खुद लगवाया है, ये पावर विंडो नहीं थी, मुझे पावर विंडो मैंने कम्फर्ट के लिए लगवाया। बेसिकली मेरा शोरूम है फैजी अली कार्स के नाम से, इंस्टाग्राम पे आप हमारा पेज विजिट कर सकते हैं, फैजी अली कार्स लिखेंगे, FAIXI ZI नहीं है, XI है, फैजी अली कार्स, वहाँ पे आपको सारी गाड़ियाँ दिखेंगी। स्पेशलिटी हमारी कल्टस है,
इस वक्त राइट नाउ हमारे पास 8 से 10 कल्टस खड़ी हैं, जो 7 से लेकर 14 मॉडल तक है और सारी की सारी रेडी टू गो है, बिल्कुल अपग्रेड। ठीक है, यानी कि कल्टस जिसको भी चाहिए इंशाल्लाह ताला वो आपसे बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा सर, इस गाड़ी की तरफ हम लोग वापसी आ जाते हैं, गाड़ी ऊपर से जो ये शावर है, खुदा ना खासा कोई एक्सीडेंट तो नहीं है सर ये गाड़ी? सर पेपरों पे लिख के दूंगा जब आपको गाड़ी की डिलीवरी दूंगा कि गाड़ी कहीं से एक्सीडेंट नहीं है, 3 दिन की गारंटी दूंगा, आप चेक करा के लाएं किसी से, गाड़ी कहीं से एक्सीडेंट नहीं है। छत छोड़ के शावर है वो, इसलिए 2007 है, कलर फेड हो जाता है, ड्यू टू फेडनेस हमें उसको शावर कराना पड़ता है, जरूरी हो जाता है। ठीक है, बाकी एसी वेसी हर चीज एसी वगैरह बेहतरीन, सस्पेंशन 100% डॉक्यूमेंट्स क्लियर। कितने ऑनर है सर ये गाड़ी? ये थर्ड ऑनर जो है ये गाड़ी है। ठीक है जी, ये कंप्लीट डिटेल्स हैं गाड़ी की डिटेल्स आप लोगों को जो है वो साथ साथ बताएं। सर मेन चीज के ऊपर आते हैं, सर आप ऐसे मुझे पैसे बताइएगा, क्योंकि देखें आपने शोरूम का भी जिक्र करा है, सर आपका पेज भी है, तो मैं चाहूंगा कि अल्लाह आपको जो है वो और रोजगार दे, तो बिल्कुल मुनासिब और जायज पैसे बताइएगा, ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं देख रहे हैं मजीद गाड़ियों के लिए आपसे कॉन्टेक्ट करें। यार 770 मांग रहा हूँ, उसके देने वाले पैसे जो है वो 7.5 लाख रुपए। 7.5 लाख तो देख लीजिएगा भाई, 7.5 लाख रुपए बोल रहे हैं, इंशाल्लाह ताला अच्छी ऑफर लगाएंगे, बातचीत करेंगे तो जरूर आपकी बात बनेगी। अपना नंबर भी एंड में शेयर कर दीजिएगा, 0331-0331-3155-175 कराची में कहाँ देखें सर ये गाड़ी? कराची में गुलशन इकबाल ब्लॉक 5 सर, सैयद यूनिवर्सिटी के पास। ठीक है, इस लोकेशन पे ये गाड़ी आप लोग विजिट कर सकते हैं। चलिए शुक्रिया बहुत। प्रिंस पर्ल, ये नाम तो आपने सुना होगा पाकिस्तानी ब्रांड का, और बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं कि हसन भाई कौन कौन सी गाड़ियां जो है वो इन्होंने निकाली, तो एक और गाड़ी आज हमें जो है मिल चुकी है, 2021 का जो है ये मॉडल है, और खास तौर पे जो लोग हमारे बोलते हैं ना कि भाई मुनासिब पैसों में मॉडल आगे का हो, हायरूफ से अच्छी जो है वो कैपेसिटी हो, तो ये गाड़ी जो है वो आप लोग देख लें, 2021 का जो है ये मॉडल है, प्रिंस की है, इन्होंने जो इसको टाइटल दिया था वो हमसफर का जो है वो टाइटल दिया था, तो ये गाड़ी आज आप लोग को जो है विजिट करवा रहे हैं। इस गाड़ी का टोटल एक पीस जो है वो गाड़ी के ऑनर मुझे टचअप बता रहे हैं, बाकी भाई से अभी और मजीद बातचीत करूंगा तो अच्छे से आप लोगों को डिटेल्स वगैरह सारी चीज़ें जो है वो शेयर कर देंगे। तो चलते हैं साथ साथ, गाड़ी आप लोग को जो है विजिट कराते हैं। नॉर्मली व्हील कैप वगैरह गाड़ी के ऊपर जो है वो लगे हुए हैं, साइड है वाइड है आप लोग मेरे साथ साथ जो है वो देख रहे हैं, बिल्कुल साफ आप लोग को जो है वो नजर आ रही होगी। बाकी बैक साइड पे चलते हैं इसी नज़र से हम लोग, तो यहाँ आ जाते हैं भाई, ये आप लोग चेक करें, बिल्कुल लाइट है वाइट है, क्लियर गाड़ी की आप लोग को जो है प्रिंस का यहाँ पर टैग भी जो है वो नज़र आ रहा होगा, और रूज के नाम से जो है वो यहाँ पर ये टैग भी लगा हुआ है। खैर मुझे इसका इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है इस गाड़ी के बारे में, लेकिन फिर भी हमारे बहुत सारे भाइयों की इन्फॉर्मेशन ये रिक्वायरमेंट यही होती है कि भाई मॉडल आगे का हो और पैसे ऐसे हों कि भाई बहुत पुरानी गाड़ी वाले, तो उस हिसाब की ये गाड़ी है। भाई से अभी चलते हैं, मजीद इसकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, आप लोगों को साथ साथ जो है वो शेयर करेंगे, अंदर से कैपेसिटी वगैरह आप लोगों को गाड़ी की दिखाते हैं कि गाड़ी की कैपेसिटी किस तरीके से है। तो ये आप लोग चेक कर लें, फ्रंट पे जो है वो 3 सीट्स आ गई इसकी, ठीक है, बैक साइड पे जो है वो 3 सीट आ गई, तो तकरीबन 8 सीटर काउंट होती है ये, 7 सीटर। तो ये आप लोग चेक कर लें, डुअल एसी है इस गाड़ी के अंदर, बाकी फ्रंट साइड से आप लोगों को चल के दिखाते हैं भाई, फ्रंट से आप लोग डोर चेक कर लें, डोर वगैरह नीचे की सारी साइडें देख रहे हैं, पावर विंडोज जो है वो इसके अंदर आप लोगों को फ्रंट में मिल जाते हैं, 2 पावर विंडो यानी कि फ्रंट की दोनों पावर विंडो आप लोगों को मिल रहे हैं, यहाँ से आप लोग साइड वाइडें देखें, तो इंतजामिया की आवाज़ भी आपको साथ साथ आ रही होगी, तो थोड़ा सा भाई बर्दाश्त कीजिएगा, लेकिन गाड़ी इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा रहा हूँ। मैनुअल ट्रांसमिशन पे जो है ये गाड़ी है, गाड़ी की फ्रंट की सीट्स वगैरह भी आप लोग देख रहे हैं। अब चलते हैं जो गाड़ी के ऑनर हैं, जरा उनसे बातचीत करते हैं, इस गाड़ी की मजीद मालूमात लेते हैं कि क्या हिसाब है भाई इस गाड़ी का। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं शुएब फारूक साहब, सर कैसे हैं आप? जी दुआएं शुक्र अल्लाह का, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। सर कहाँ से आए हैं आप? ये सांगड़ से आए। सांगड़ से आए हुए हैं यहाँ पर ये गाड़ी सेल करने हैं। जी सर, कौन सी गाड़ी है हमारे पास? ये प्रिंस की गाड़ी है, DFS की कंपनी है, K07 मॉडल है और हम सफर नाम है इसका। हम सफर जो है वो नाम है इसका। अच्छा सर, 2021 का मॉडल है, आपने ये खुद ही निकलवाई थी गाड़ी कंपनी से? जी मैं खुद ऑनर हूँ, मेरे नाम पर है फर्स्ट। ठीक है, एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका 2 साल में सर? जी माशाल्लाह गाड़ी अच्छी रही और अच्छी चलती रही है। यानी कि कोई काम वाम निकाले हो कभी सस्पेंशन में? नहीं कोई काम वगैरह नहीं है और गाड़ी चलने में ऐसे जैसे किरोला गाड़ी है। ठीक है सर, कितना चलाई आपने, कितना किलोमीटर चलाई? 1,46,000। अच्छा 1,46,000 आपने 2 साल में माशाल्लाह चला दी। जी तो आपने कमर्शियल यूज करी है या नॉर्मली? जी मेरा ऑल पाकिस्तान टूर का काम भी है और यूनिसेफ एनजीओ में काम भी है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपने गाड़ी चलाई, माशाल्लाह से तंग नहीं करा इतने सफर में गाड़ी ने, अभी भी मेंटेन चल रही है? हाँ जी बिल्कुल। या इस सफर के बाद यानी कि आपने कोई काम करवाया हो इसके अंदर इंजन में? सेंसर वगैरह चेंज कराए बस उसके अलावा। पार्ट्स में कैसी है गाड़ी, पार्ट्स इसके मुश्किल से मिलते हैं आसानी से? पार्ट्स आसानी से मिल जाता है कराची से या लाहौर से। ठीक है, कहाँ कंपनी से ही करवाने पड़ते हैं पार्ट्स वगैरह? पार्ट्स आम दुकानों से मिल जाते हैं। दुकान से भी मिल जाते हैं? ठीक है सर। अच्छा अभी आप बोल रहे हैं कि आपका सौदा हो गया इस गाड़ी का? जी जी। अच्छा सर कितने पैसों में ये सौदा तय हुआ आप लोगों का? मेरा सौदा हुआ 10,50 में। 10,50,000 रुपए में आपका सौदा तय हो गया 2021 मॉडल की इस गाड़ी का। ठीक है,
अच्छा, तो अब आपका नंबर तो शेयर करना मुनासिब नहीं है जी, जी। क्योंकि आप तो आपने सेल कर दी है ये गाड़ी। अब चलते हैं हम नए ऑनर के पास, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। तो ये हमारे साथ भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राहिम। राहिम, राहिम कैसे हैं आप? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? बिल्कुल। राहिम माशाल्लाह से गाड़ी जब आपने ढूंढना शुरू करी अपने लिए, तो क्या क्या चीजें आप देख रहे थे कि गाड़ी के अंदर होनी चाहिए और इसमें आपको जो है वो मिल गया? स्पेस ज्यादा होना चाहिए सबसे पहले तो। सबसे बड़ी चीज स्पेस। स्पेस। अच्छा, इसका इंजन वगैरह के बारे में मालूम है? कितना सीसी इसका इंजन होता है आपको? ये इनको पता सारा। अच्छा, 1000 cc इंजन होता है। और क्या एवरेज वगैरह करता है ये? 1000 इसका इंजन है और जो एवरेज 13-14 की एवरेज देती है। 13-14 का जो है वो एवरेज देती है। चले जी, माशाल्लाह से भाई एवरेज भी आपके साथ शेयर कर दिया भाई की तरफ। दोबारा वापस आए थे सर, कितने में सौदा तय हुआ आपका? ये 1050 में। 1,50,000 रुपए में भाई का सौदा डन हो गया। अल्लाह भाई मुबारक करे आपको और आप अच्छे से जो है वो गाड़ी चलाएं। तो बस भाई ये आप लोगों को सौदा दिखाना था। सौदा हो चुका है भाई का। और आप अभी सेल तो नहीं करेंगे? नहीं करेंगे ना, अपने यूज में लेंगे। अच्छा अच्छा, चले भाई, तो ये यूज में लेंगे ना। भाई का नंबर शेयर कर सकते हैं अभी हम लोग ना, इनका कर सकते हैं। अच्छा, टूर अगर करना हो तो सर किसी को नंबर बता दें सर आप। नंबर 0335-0335-37-37-37-336। तो भाई टूर करना हो तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, बाकी गाड़ी तो जो है वो सेल हो चुकी है। चले भाई, ऑल ओवर कंट्रीज और ऑल ओवर पाकिस्तान। चले भाई, अल्लाह हाफिज़ टाटा। होंडा सिविक EXi 2003 मॉडल। तो जो भी भाई हमारे बोलते हैं ना कि ऑटोमेटिक गाड़ी आप दिखा दें और सेडान गाड़ी दिखाएं, साफ सुथरी अच्छी गाड़ी हो एहसन भाई, तो ये गाड़ी अभी मुझे नजर आई तो मैंने बोला चलो यार आप लोग ही नहीं ऐड करते हैं गाड़ी, आप लोग को जो है वो दिखाते हैं। तो बैक साइड से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि अभी जो है वो मार्केट फुल हो चुकी है, जगह थोड़ी कम कम है, तो मैं आप लोगों को गाड़ियाँ जो है वो दिखा रहा हूँ। बैक की दोनों लाइट्स गाड़ी की बिल्कुल ठीक हैं, बम्पर्स वगैरह ठीक हैं गाड़ी के, डिग्गी वगैरह भी आप देखें, हल्की हल्की फाइडिंग भी है गाड़ी के अंदर, तो ज़्यादा पॉलीगेटेड आप लोगों को ये गाड़ी जो है वो नज़र नहीं आएगी। इस तरीके से इन्होंने जो है वो गाड़ी पूरी मेंटेन रखी हुई है। तो यहाँ से मैं आपको एक पूरा ओवरव्यू दूंगा गाड़ी का किस तरीके से। तो देखें जगह थोड़ी कम होती है यहाँ पे, तो फिर भी मैं कोशिश करके आप लोगों को गाड़ी जो है वो अच्छे से दिखा रहा हूँ। तो सारी साइडें वगैरह आप लोग मेरे साथ साथ जो है वो यहाँ से देखें, ये देखें दरवाज़ों पे भी सारी फाइडिंग आप लोगों को नज़र आ रही होगी। तो बस चलते चलते ये गाड़ी नज़र आई तो मैंने बोला चलो यार आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं। बाकी जो गाड़ी के ऑनर हैं जब उनसे बातचीत करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको जो मजीद इन्फॉर्मेशन है गाड़ी की वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। गाड़ी का बैक देखा, गाड़ी के फ्रंट पे आ चुके हैं, फ्रंट साइड भी आप लोग देख रहे हैं, दोनों लाइट्स वगैरह गाड़ी की जो है वो आप लोग देखें, ओरिजिनल नंबर प्लेट्स गाड़ी के ऊपर मौजूद हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें गाड़ी की लेफ्ट हैंड साइड की, तो लेफ्ट हैंड साइड भी मैं आप लोगों को यहाँ से जो है वो दिखाऊँ, यहाँ से भी आप लोग गाड़ी जो है वो एक नज़र देख लें। गाड़ी के दरवाजे वगैरह चल के देखते हैं भाई दरवाज़ों से किस तरीके से मौजूद है गाड़ी। सो यहाँ से मैं आप लोगों को गाड़ी के दरवाजे भी एक नज़र जो है वो दिखा रहा हूँ। तो नीचे की सारी साइडें वगैरह आप लोग देखें, गाड़ी के डोर पैनल से आप लोग देख लें, पिलर्स गाड़ी की फुट पैरियाँ आप लोग यहाँ से देख लें, अंदर आ जाते हैं। डैशबोर्ड वगैरह की बात करते हैं गाड़ी की, तो डैशबोर्ड वगैरह गाड़ी का क्लियर है, एंड्रॉयड पैनल गाड़ी के अंदर इंस्टॉल है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन पे ये गाड़ी है। बाकी सीट्स वगैरह की अगर बात करें तो सीट्स वगैरह की कंडीशन वगैरह भी मैं अभी आप लोग को दिखाता हूँ, बैक साइड वगैरह भी दिखाता हूँ। तो यहाँ से बैक साइड का डोर मैं आप लोग को दिखाता हूँ, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना भाई, जगह कम है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को गाड़ी यहाँ से जो है वो अच्छे से दिखा रहा हूँ। नीचे की साइड है, ठीक है, इसी तरीके से फुट पैरियाँ, अंदर से जो है वो गाड़ी की सीट्स, ऊपर से गाड़ी की रूफ भी आप लोग यहाँ से जो है वो एक नज़र देखें। बाकी गाड़ी की डिग्गी भी चेक कर लेते हैं, डिग्गी से किस तरीके से आप लोग को जो है वो मिलती है। तो यहाँ से आ चुके हैं हम लोग गाड़ी की डिग्गी की तरफ, तो ये भी आप लोग को दिखाते हैं। तो यहाँ भाई का काफ़ी सारा घर का सामान रखा हुआ है, तो भाई मेरे ख्याल से कुछ सामान हमारे लेने निकले थे और डायरेक्ट इधर ही आ चुके हैं, तो इसको मैं बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा इनकी चीज़ों को, ऊपर से आप लोगों को दिखा देता हूँ। कॉर्नर वॉर्नर साफ़ हैं गाड़ी के, ऊपर से जो डिग्गी की सीलें हैं वो भी आप लोगों को साफ नज़र आ रही होंगी, गाड़ी की बिल्कुल सुथरी इन्होंने जो है वो रखी हुई है। अब चलते हैं, सिर्फ इंजन रूम रहता है गाड़ी का, इंजन रूम चल के देखते हैं, इंजन रूम आप लोगों को बताते हैं किस तरीके से मौजूद है। सो इंजन रूम की तरफ आ चुके हैं, इंजन रूम भी आप लोगों को यहाँ से विजिट करवा देते हैं भाई, इंजन रूम से कैसी है गाड़ी। तो सबसे पहले आप लोग जो गाड़ी की फ्रंट की पट्टी है वो आप लोग देख लें, साफ़ सुथरी आप लोगों को नज़र आ रही होगी। गाड़ी के कुप्पे वगैरह हम लोग यहाँ से जो है वो देख लेते हैं, तो यहाँ से आप लोग गाड़ी के कुप्पे देखें, ये भी बिल्कुल साफ़ हैं। ऊपर की सारी साइडें वगैरह मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, और इसी तरीके से गाड़ी का दूसरी साइड का कुप्पा भी आप लोग देख लें। ड्राई बैटरी गाड़ी के अंदर इंस्टॉल है। अब चलते हैं जो गाड़ी के ऑनर हैं, ज़रा उनसे बातचीत करते हैं और इस गाड़ी के बारे में मजीद मालूम जो है वो ले लेते हैं। सो अभी हमारे साथ मौजूद हैं अजीज साहब जिनकी ये गाड़ी है। अंकल कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? लगा कर रहा हूं। अंकल कौन सा मॉडल है सिविक का? 2003। ठीक है, 2003 का जो ये मॉडल है, कितना सीसी गाड़ी है अंकल ये? 1300 सीसी। और क्या एवरेज करती है एक लीटर में तकरीबन? ये एक लीटर में कितना किलोमीटर चलती है तकरीबन जो है? कभी हिसाब नहीं लगाया लेकिन कम से कम 10 तो देती है। 10 तक का तो एवरेज जो है वो देती है। अच्छा, इंजन इसका अपना है या ओरिजिनल? ओरिजिनल इंजन पे जो है ये गाड़ी है। अच्छा, गाड़ी अंकल आपने साइडों से शावर करवाई है? सिर्फ बोनट शावर है, बाकी पूरी गाड़ी ओरिजिनल है। ठीक
ठीक है सर, कितना चली भी आपने मुझे बताई है? इसका भी टोटल लाख से ऊपर मेरे ख्याल से चली होगी, तकरीबन इतना ही होगा, लाख से तो ऊपर ही होगी। अच्छा पेपर वेपर क्लियर है, हर चीज क्लियर, आपके नाम पे ही अंकल ये गाड़ी, और वो नहीं होता एसी कार्ड जो बना होता कार्ड वो ही बना हुआ है इसका, नया वाला जो कार्ड, हाँ एसी जो है ना इसका ऐसा ऐसा है कि शीशों में नमी आती है, ठीक है, यानी कि बिल्कुल फिट है गाड़ी, कोई काम वगैरह नहीं गाड़ी। अच्छा अंकल देखें, गाड़ी तो नो डाउट आपने अच्छी रखी हुई है, मेंटेन रखी हुई है, पैसों में अंकल क्या मुनासिब बिल्कुल मुझे जायज़ वाले पैसे बताइएगा। बेटा ये हम देंगे 1280, ठीक है 1280,000 रुपये में गाड़ी मिलेगी। तो देख लीजिएगा भाई, जो भी भाई हमारे बोल रहे थे गाड़ी आप लोगों को दिखा दिए, और इंशाल्लाह मजीद इन्फॉर्मेशन चाहिए हो अंकल को कॉल कर सकते हैं, अंकल नंबर शेयर कर दीजिएगा 03122 7472745। कराची में अंकल किसी को देखनी हो गाड़ी कहाँ देंगे? अब्बासी हॉस्पिटल, ठीक है इस लोकेशन पर ये गाड़ी आप लोग विजिट कर सकते हैं। चलिए शुक्रिया बहुत बहुत अंकल। होंडा सिटी 2004-2005 चुआ शेप, तो जो भी भाई हमारे बोलते हैं ना कि एहसन भाई आप ये चुआ शेप भी जो है वो लाजमी ऐड कर दिया करें, क्योंकि देखें ये गाड़ी जो मशहूर है ना वो इस वजह से मार्केट में मशहूर है कि इसका एवरेज जो है वो बहुत अच्छा होता है, और फिर आपको सेडान गाड़ी मिल जाती है, तो एक अच्छी गाड़ी है। बस ये कि अब गाड़ी आप लोग को दिखाते हैं क्योंकि हो गई है शाम, तो ऐसा ना हो कि हमारी बातचीत में जो है वो अंधेरा हो जाए। गाड़ी के हवाले से बात करें, कोई स्क्रैच नहीं है, कोई डेंट नहीं है, ऊपर से गाड़ी ये शावर्ड है, छत भाई जो है वो इसकी ओरिजिनल बता रहे हैं, लेकिन ये कि फिर भी अभी हम मजीद जो इन्फॉर्मेशन है गाड़ी की वो सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे जब एंड में बातचीत करेंगे। दूसरी साइड से भी गाड़ी में आप लोगों को दिखाऊं, यहाँ पर भी कोई स्क्रैचेस कोई डेंट्स आप लोगों को गाड़ी के ऊपर नजर नहीं आ रहे होंगे, दोनों लाइट्स वगैरह गाड़ी की बिल्कुल ठीक हैं। इसके अलावा नॉर्मली व्हील कैप लगे हुए हैं गाड़ी के अंदर। बैक साइड चल के देखते हैं गाड़ी की, क्योंकि भाई गाड़ी की बैक साइड से आप लोगों को किस तरीके से जो है वो मिलती है, तो यहाँ से आ जाते हैं भाई हम लोग गाड़ी की बैक साइड में, तो ये आप लोग जो है वो चेक कर सकते हैं। बैक की जो लाइट्स हैं वो ठीक हैं, इसके अंदर कोई चीज़ टूटी फूटी आप लोगों को नज़र नहीं आ रही होगी। ओरिजिनल नंबर प्लेट्स लगी हुई हैं गाड़ी के अंदर। दूसरी साइड का भी एक व्यू मैं आप लोगों को यहाँ से अगर दिखाऊं, तो यहाँ से आप लोग जो है वो चेक कर सकते हैं गाड़ी यहाँ से क्लियर नज़र आ रही होगी। गाड़ी की डिग्गी हम लोग चेक कर लेते हैं भाई बैक साइड से किस तरीके से आप लोगों को मिलती है, तो डिग्गी हम लोग पहले खुलवा लेते हैं इसकी, ये आप लोग चेक करें। तो ऊपर की साइड ही पहले आप लोग देख लें, ऊपर की जो साइड है वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, सारी साइडें देखें, यहाँ से कॉर्नर देखें। अच्छा ये थोड़ा सा एक हमें यहाँ से चीज़ नज़र आई है, तो हम ये गाड़ी के ऑनर से मालूम कर लेंगे कि भाई क्या हिसाब किताब है, हमें जो है बता दें। दूसरी साइड से भी मैं आप लोगों को यहाँ से दिखा रहा हूँ, यहाँ से भी आप लोग देखें, फिर नीचे आ जाते हैं, नीचे वाली साइड है आप लोगों को दिखा देते हैं। तो ये थोड़ा सा अगर मैं खोल के दिखा सकूं, तो यहाँ से आप लोग जो है वो चेक कर लो, क्लियर आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। दूसरी साइड से भी आप लोग देखें, ऊपर आ जाते हैं, ऊपर वाली साइड भी आप लोगों को दिखा देते हैं, बाकी एक सीट हटा के यहाँ से भी मैं आप लोगों को एक नज़र जो है वो दिखा रहा हूँ। जी सर कुछ बोल रहे थे आप? मैं कह रहा था लोग कलर करके ना इसकी वर्क गिरा देते हैं, ओरिजिनल कंडीशन में ये आपने पूरा ओरिजिनल इसी तरीके से जो है वो रखा हुआ है, हालांकि लाइट स्प्रे मारना कोई बड़ी बात सही नहीं। अच्छा थोड़ी सी डिटेल सर ये भी देते हैं, अंदर से तो ये फेंडर हमें थोड़ा बेहतर लग रहा है, लेकिन ये क्या सीन है? ये असल में बॉस मेरी सिस्टर चलाती है, सही है, आइए पसंद AGS तो ये मैं लेकर आ गया हूँ, सही ठीक है ना, वो उसने हल्की सी जो है टच कर दी थी बैक से लगी हल्की सी रिवर्स करते वक्त कॉलेज में, तो मैंने इसको बाहर निकलवाया, तो मैंने बोला चलो अब जब निकलवाया तो पूरा चले, मैं अभी एंड में जो है ना इसकी डिटेल आप लोगों को बता दूंगा कि क्या मसला है, वो सारी चीज़ें हम आपके साथ जो है वो शेयर कर देंगे। दरवाजे वगैरह देख लेते हैं गाड़ी के, दरवाजे आप लोग यहाँ से देख लें, साइडें वगैरह देखें गाड़ी की, नीचे से फुट पैर हैं, ऊपर से गाड़ी के पिलर्स, अंदर से अगर बात की जाए तो LCD पैनल वगैरह गाड़ी में मौजूद है, ऊपर मैट वगैरह डला हुआ है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। सीट्स वगैरह की अगर बात करूँ तो सीट की कंडीशन भी यहाँ से मैंने आप लोगों को दिखा दी। बैक साइड का डोर देख लेते हैं भाई, बैक साइड का डोर किस तरीके से है, तो यहाँ से भी आप लोग देखें, ये नीचे की सारी साइडें वगैरह आप लोग जो है वो देखें, ऊपर से गाड़ी के पिलर्स आप लोग एक नज़र जो है वो देख लें, बाकी इसके अलावा बात की जाए नीचे के कॉर्नर्स की तो ये भी देखना। अच्छा भाई ने ये भी हटा के दिखा दिया, तो भाई ये आप लोग देख लें, खैर मैं इतनी डिटेल में तो जाता भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ये कि भाई ने बोला चलें वो खुद ही जो है वो दिखाते हैं, चलते हैं चल के। सिर्फ इंजन रूम रहता है गाड़ी का, इंजन रूम आप लोग को चेक करवाते हैं कि भाई इंजन रूम से गाड़ी आप लोग को किस तरीके से जो है मिलती है, तो यहाँ से हम लोग जो है वो इंटर हो जाते हैं इंजन रूम के अंदर। फ्रंट साइड है वगैरह आप लोग देख लें, गाड़ी की जो फ्रंट पट्टी है वो आप लोग जो है वो देखें, ड्राइव बैटरी गाड़ी के अंदर इंस्टॉल है। इसके अलावा कुप्पे नज़दीक से मैं आप लोगों को यहाँ से जो है वो दिखा रहा हूँ, बैक की पूरी शील्ड जो है वो आप लोग एक नज़र जो है वो देखें, और इसी तरीके से दूसरी साइड का कुप्पा भी आप लोग देख लें, बाकी बोनट की सील है आप लोगों के सामने। अब चलते हैं जो गाड़ी के ऑनर हैं, जरा उनसे बातचीत करते हैं। सो अभी मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अरसलान साहब, जिनकी ये गाड़ी है। सर कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का करम है सर। आप सर सिटी का कौन सा मॉडल है ये हमारे पास? ये 31 दिसंबर 2004 की इनवॉइस है और 5 रजिस्टर्ड है, 4th ओनर गाड़ी है, 1,70,000 समथिंग जेन्युइन चली हुई है, ठीक है, छत पूरी ओरिजिनल है गाड़ी में, तो जाहिर सी बात है इतनी पुरानी गाड़ी है तो टच मच होता है, तो हम लोग थोड़ा बहुत मेंटेन रखते हैं, चला रही है।
अच्छा दूसरी चीज आपने मुझे ये बताई कि बैक से थोड़ी सी लगी थी गाड़ी, उसके अलावा खुदा ना खासा ये जो राइट हैंड वाली साइड है ये तो नहीं है पूरी, कोई चीज एक्सीडेंट नहीं है, कोई मेजर नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये आपको भी पता है पुरानी गाड़ियां होती हैं, तो इसके ऊपर फिर ना कराने से अच्छा करा ले, ठीक है। बोनट जो है ये भी इसी वजह से कराया गया है कि फेड हो गया था, ठीक है। अच्छा सर इंजन इसका अपना है या जी? अपना अपना इंजन, अपने इंजन पे। कितना सीसी इंजन है सर इसका? इसका 1000 1300 क्या एवरेज देती है गाड़ी? ये मुझे 13-14 हल्के पांव पे, अगर मतलब मुझे 80 से अबव जाता हूँ, 90 जाता हूँ तो 11, 10.5, 11 बहुत अच्छा एवरेज दे रही है। डॉक्यूमेंटेशन में हर चीज पूरी कंप्लीट है सर, बिल्कुल जायज मुनासिब देने वाले पैसे क्या हो जाएंगे गाड़ी के सर? सर मेरी आस्किंग है 14.5 लाख रुपए और मैं फुल एंड फाइनल बाटा टाटा, ठीक है ना, एक ही दाम 13,80,000 13,80,000 रुपए में बिल्कुल फाइनल ये गाड़ी आप लोगों को मिल जाएगी। गाड़ी आप लोगों ने देख ली, जो चीज़ें पूछ सकते थे वो सारी चीज़ें पूछनी है, इसके अलावा भी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो भाई को कांटेक्ट कर सकते हैं, मजीद मालूमात ले सकते हैं इस गाड़ी के बारे में। सर अपना नंबर शेयर कीजिएगा। 0310-0310-1156-1159-1169 मोहम्मद अरसलान खालिद बिन वलीद रोड न्यू सिटी मोटर्स, ठीक है। इस लोकेशन पे ये गाड़ी आप लोग विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। 2007-2012 की ये पासो हमारे पास भाई मौजूद है, तो एक ये हमारे सब्सक्राइबर हैं बहुत अच्छे, उन्होंने जो है वो हमें सेंड की कैसन भाई हमारी गाड़ी भी जो है वो सेल करा दें, तो मैंने बोला चलें हमारे व्यूवर्स के लिए एक अच्छी चीज़ हो जाएगी, पासो की जिन भाइयों की रिक्वेस्ट थी, तो ये गाड़ी आप लोग जो है वो देख लीजिएगा। इसकी जो डिटेल्स हैं वो वीडियो के एंड में मैं भी आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दूंगा कि भाई क्या हिसाब किताब है। 2007 का मॉडल, 2007 की जो है ये 12 की जो है वो रजिस्टर्ड है, बाकी चली हुई भी तो मुनासिब भी है, ज़्यादा नहीं चली हुई, अपने इंजन पे जो है ये गाड़ी है। तो जिन भाई को भी चाहिए हो एंड में जो है वो भाई का नंबर जो है वो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, तो उसके ऊपर जब आप लोग कॉन्टैक्ट करेंगे तो आप लोगों को मजीद जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी चीज़ें जो है मिल जाएंगी। 1988 मॉडल की खैबर हमारे पास मौजूद है, तो भाई ये एक हमारे भाई हैं सब्सक्राइबर हैं और इन भाई को जो है वो गाड़ी सेल करने की नीड है, यानी कि इनको थोड़ी पैसों की नीड थी, तो इन्होंने बोला एहसन भाई हमारी गाड़ी जो है वो सेल करा दें। गाड़ी में छोटे मोटे काम है, दरवाजे हल्का फुल्का या 19-20 जो है वो काम है, और इंशाल्लाह ताला ये बहुत अच्छे पैसों में आप लोगों को गाड़ी मिल जाएगी। डिमांड जो कर रहे हैं इसकी 2,20,000 रुपये, बाकी कॉल करके मजीद मालूमात ले सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज की वीडियो, होपफुली ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो भाई खास तौर पे जो हमारे मेहरान वाले हजरात थे जो बोल रहे थे सर भाई पुराने मॉडल जो है वो ऐड करें, देखिए पहले पार्ट में भी एक जो है वो गाड़ी ऐड की गई पुराने मॉडल की, उसमें FX भी काफ़ी कम पैसों की ऐड करी, उसके अंदर हमने इंडस करोला पहले पार्ट में काफ़ी कम पैसों में ऐड करी। तो देखें सबकी रिक्वेस्ट पे काम हो रहा है, मुनासिब रेट की गाड़ियां आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला जो है वो और ढूंढते रहेंगे हम लोग। बाकी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी वीडियो के एंड में हमें लाजमी नीचे कमेंट करके बताया करें। बाकी हमारे भाई हैं आप सब लोग वीडियो देखते हैं भाई नीचे आके लाइक कर दिया करें, और अगर अभी तक हमारे फेसबुक के चैनल को जो है वो आप लोगों ने फॉलो नहीं कराए तो फॉलो कर लें, ताकि मजीद आने वाली जितनी अपडेट्स हैं आप लोगों को जो है वो मिलती रहें। तो यहाँ तक वीडियो देखिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में।